हजरात हजरात हजरात, आपको ये सूचित किया जाता है कि राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत झेलने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने दरभंगा के उस तालाब को ढूंढ निकाला है जो बीते कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। हालांकि DCLR साहब के शब्दों में कहें तो चोरी नहीं हुआ था, बल्कि उसका स्वरूप बदलने का प्रयास किया गया था। बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा, जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया, तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। अब कौन सा शब्द इसके लिए उपयुक्त होगा, हम वो आप पर छोड़ते हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी साहब के सख्त आदेश पर DCLR साहब, CO साहब और यातायात के DSP साहब भारी संख्या में पुलिस बल और JCB के साथ मजदूरों की टीम लेकर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 4 में पहुंचे। ठीक उसी जगह पहुंचे जहां से बताया गया था कि तालाब को करीब 3 दिन के अंदर चोरी कर लिया गया है। वहां पहुंचे तो पाया कि बकायदा समतल मैदान, जिसे टट्टी की दीवार से घेर कर उनके अंदर बैठने के लिए टट्टी का कमरा भी बनाया हुआ है, लेकिन आदेश के मुताबिक कार्रवाई शुरू हुई। पहले टट्टी की दीवार को हटाकर उसे निगम के ट्रैक्टर पर लाद दिया गया, उसके बाद शुरू हुआ तालाब की खोजबीन का अभियान। जैसे ही JCB ने मिट्टी की पहली परत हटाया ही था कि जीवंत तालाब दिखने लग गया। हालांकि उस जमीन पर मालिकाना हक जताने वाले यशवंत कुमार मंडल ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने बताया कि दरभंगा राज ने उन्हें 1945 में ही इसकी बंदोबस्ती दी थी और खेसरे में साफ लिखा है कि यहाँ आम और लीची का बगान था। अब ये बात अलग है कि नाले के पानी के कारण वह बगान मुरझा गया और डबरे में तब्दील हो गया, लेकिन खुदाई की ये तस्वीर आप खुद देखिए, ये डबरा है या तालाब। मामला ये है कि बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मियों के द्वारा, जो साथियों के द्वारा जो दिखाया जा रहा था कि सरकारी तालाब चोरी हो गया, तो ये तालाब चोरी नहीं हुआ, इसका स्वरूप बदलने का कोशिश किया गया था। तो समहर्ता महोदय के न्यायालय से हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ। मेरे साथ अभी अंचलाधिकारी CO सदर भी हैं। हम लोग अभी पूर्व का जो DM सर का आदेश था कि 19/12/2022 से पूर्व जो स्थिति था उसको बहाल करने का, तो हम लोग उसी के लिए अभी यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे। क्या है सर, स्पॉट पर आपने आया था, क्या देखा और क्या कार्रवाई की? यहाँ पे बांस का एक झोपड़ी बना हुआ था और घेराव कर लिया गया था, अच्छा कुछ मिट्टी का भराव कर दिया गया था, तो हम लोग अभी उस स्थिति को बहाल करवाने की कोशिश में। क्या करेंगे अभी यहाँ पे आप? यहाँ पे हम लोग आप देख रहे हैं कि झोपड़ी और जो बाउंड्री करा हुआ था उसको हटा चुके हैं और JCB से अभी जितना मिट्टी का खुदाई करके हम लोग उसको तालाब के जैसा स्थिति में लाने का कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर दोबारा यहाँ अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, प्रशासन हम लोग अभी CO साहब हैं, माफ़ी करा कर इसका हम लोग ये करा देंगे और बोर्ड लगा देंगे ताकि आम जनता को भी पता रहेगा कि यहाँ पे ये जमीन बिक्री का नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई करते हैं तो हम लोग जो भी सुसंगत धारा में उन पे कार्रवाई करेंगे। सर, सरकार का सख्त आदेश है जल जीवन हरियाली को लेकर के कोई पोखर तालाब डबरा नहीं भरा जाएगा, और ये भरा जाता रहा, मीडिया को खबर लग गई, मीडिया ने चलाया, तब प्रशासन की आँख खुली है। प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त नज़र क्यों नहीं रखता? नहीं, प्रशासन की सख्त नज़र थी, लेकिन किसी तरह उन लोगों ने कागज ऐसा बना लिया था कि उन पर तत्काल कार्रवाई संभव नहीं था। जब समहर्ता महोदय के न्यायालय से जब आदेश पारित हो चुका है, तब उनके आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ पे अब कार्रवाई करने के ये स्थिति में आए हैं और अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आए दिन शहर में जो है छोटे बड़े तालाब को जो भरा जाता है और अंचल के स्तर से ही प्रक्रिया शुरू होती है, तो नहीं मॉनिटरिंग होने का भी नतीजा है कि इस प्रकार के तालाब और डबरा को भर दिया जाता है, अब बाद में प्रशासन सक्रिय होती है। नहीं तो आम जन से भी अनुरोध रहेगा कि जो जलकर हैं या जो वाटर बॉडीज हैं उनको अपने जैसा ट्रीट करें, क्योंकि ये मतलब आम जनता के लिए लाभ के लिए ये चीज़ है, तो वहाँ पे अतिक्रमण ना करें, और अतिक्रमणकारी जो कोई चाह रहे हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण करें या स्वरूप बदलना चाह रहे हैं,
तो किसी भी स्थानीय प्रशासन को आप सूचना दे दें जो राजस्व विभाग। स्थानीय लोगों का कहना रहता है अक्सर जहां भी तालाब बिहार में भरे जाते हैं कि लोग प्रशासन से डरते हैं कि प्रशासन के पास खबर जाती है तो जो भरता है उसके पास चली जाती है। इस पोखर को भरने का एक छोटा सा क्लिप 10 सेकंड का वायरल हुआ था जिसमें 20-30 आदमी देखा गया था। इतनी बड़ी रोड है, क्या पुलिस की गश्ती नहीं जारी होगी? नहीं नहीं, हम आपको जैसा पहले भी बताएं कि इन्होंने एक कागज बनवा लिया था जिसके ये के कारण जो लीगल ये था कि स्थिति क्लियर नहीं थी कि भूमि किसकी है, तो वो कागज जब डीएम सर का आदेश से वो जो जो राजस्व न्यायालय से जो जिन्होंने अपने पक्ष में आदेश ले लिया था वो उसको निरस्त हो गया, वो स्थगित हो गया है, तभी हम लोग कार्रवाई करने के। सवाल वही है कि जो जमाबंदी हुआ था क्या उस पर कार्रवाई होगी? अगर ये तालाब था और इसका बंदोबस्ती होता था तो क्या जो जमाबंदी किया गया था उन पदाधिकारी के दायरे में है? ये बताइए, हम इसके लिए सक्षम नहीं है आपको जवाब देने के लिए। जो सक्षम पदाधिकारी होंगे आप उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि मामला जिला से जिला भी इसकी जानकारी रहनी चाहिए कि इस प्रकार के जो कार्य है उस पर अंकुश लगना चाहिए। नहीं बिल्कुल, हमारे राजस्व विभाग में ये करके है, लेकिन ये फिशरी डिपार्टमेंट को जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इसको हस्तांतरित किया गया है और उनके द्वारा जो सूचना अगर समय दिया गया रहता तो ये चीज़ नहीं हो पाता। तो यही रहता है इसकी जमाबंदी कैसे हुई, कहाँ लेफ्ट से आप लोग को नजर आ रहा है, इसकी जमाबंदी कैसे निजी लोगों के हाथ पे चली गई? अब ये जमाबंदी तो मेरे आने से पहले का ही घटना है तो हम इस पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब हम लोग उस लीगल एंगल से बाहर निकल गए कि अब हम लोग यहाँ पे एक्शन ले सके तब हम लोग अभी यहाँ पे आए हुए हैं। लगता है जो पहल उस वक्त हुआ था जमाबंदी वो कहीं ना कहीं गलत थी। अब तो डीएम सर का जो अभी तो ये अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, भूमि सुधार उप समर्था सदर दरभंगा। आपको जमीन कैसे प्राप्त है? दरभंगा राज से बंदोबस्ती है। कौन सी ईस्वी में? 1945 ईस्वी में। उसमें क्या जिक्र किया गया? उसमें एक जमीन दो खेसरा है, 131 और 132, एक खेसरा है रैयती और सॉरी एक खेसरा है बकास्त और एक खेसरा है जन्मजुआ खास, ठीक है यही है। उस नेचर में आपका मालिकाना हक आ रहा है? हाँ आ रहा है। और यहाँ के जो प्रशासनिक महल है वो बता रहे हैं कि पोखर या ये जलाशय था किसी प्रकार का? कभी नहीं जलाशय था उसमें। अभी नया नया कॉलोनी जहाँ भी बस रहा है आप देखिए जाके ऊँचा ऊँचा बिल्डिंग बन रहा है, जो बगल में जमीन छूटा हुआ है लोग नाला के सारा घर का पानी उसमें बहाते हैं, उसमें जलकुंभी तो लग ही जाएगा। वो जलकुंभी का स्वरूप था न कि वो डबरा था। डबरा में रहता तो खतियान में बकास्त में आम का पेड़ लीची का पेड़ कटहल का पेड़ ये सब तो नहीं दिखा रहा था, पोखर में तो नहीं होता है ये सब चीज़। तब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जाएंगे कूद जाएंगे।